नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम समकालीन साहित्य चिंतन में उपन्यास का सिद्धांत विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप साहित्य विधा के रूप में उपन्यास की विकास प्रक्रिया जान सकेंगे, उपन्यास की परिभाषा और उसके स्वरूप का परिचय प्राप्त कर सकेंगे, प्रसिद्ध आलोचक राल्फ फॉक्स की उपन्यास संबंधी अवधारणाओं से परिचित हो सकेंगे, उपन्यास और यथार्थवाद के संबंध में की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उपन्यास का समाजशास्त्र से कैसा रिश्ता है इसे आप समझ सकते हैं। ये जो उपन्यास है इसका जन्म आधुनिक काल में हुआ, प्राचीन काल में उपन्यास नहीं था। जब एक नई विधा हमारे सामने आती है तो वो अपना एक नया शास्त्र लेकर के आती है। तो उपन्यास को समझने के लिए किस तरह का शास्त्र, आखिर ये क्यों उपन्यास हमारे जीवन में आया? जब पत्र पत्रिकाएं, आपको ध्यान है शुरू में जब उपन्यास आया था तो पत्र पत्रिकाओं में धारावाहिक रूप से छपा करता था और फिर जिसे पत्र पत्रिकाओं के साथ एक सामान्य रचना की तरह पाठकों ने पढ़ने शुरू किया। बाद में जाकर के बहुत बड़े बड़े उपन्यासकार आए और उन्होंने इस विधा को एक साहित्यिक और कलात्मक गरिमा प्रदान की। इस उपन्यास के द्वारा कई चीज़ें होने लगी थी। एक जो शुरुआत के उपन्यासों ने किया था कि वो एक नैतिक शिक्षा का काम करते थे कि समाज में ऐसा अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छाई का फल अच्छा होता है। ये जो नैतिक शिक्षा वाले जो धारणाएं थी, समाज सुधार होना चाहिए, हिंदी के उपन्यासों में आप देखते हैं कि पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए, बहुविवाह नहीं होना चाहिए, स्त्रियों को शिक्षित करना चाहिए, शिक्षित स्त्री से बहुत फायदे होते हैं आदि आदि, तो ये जो नैतिक शिक्षा थी उसका ये उपयोग होता था। दूसरा जो था कि तब ये प्रश्न उठा कि क्यों उपन्यास लिखे थे। फिर ये उपन्यास है भाई जासूसी का था, आपका मनोरंजन हो, आप पढ़ते चले जाओ और एक नशे के अंदर आप आपके पाठक को ले जाते हैं और एक नई दुनिया के अंदर आप विचरण करते रहते हैं। फिर उपन्यास का संबंध गद्य विधाओं से है, ये कविता की विधा नहीं है, ये काव्यात्मक नहीं है। जैसे महाकाव्य काव्यात्मक होता है, वो कविता के अंदर सारी बातें वो कहते हैं, वर्णन कथा वगैरह सब चीज़ें काव्यात्मक होती है, लेकिन ये गद्य। तो किन परिस्थितियों में गद्य उत्पन्न हुआ, गद्य के उत्पन्न होने के बाद में ये उपन्यास नामक जो रचना है वो कैसे आई, इसका जो प्रश्न है वो प्रश्न इस उपन्यास की सैद्धांतिकी में या सिद्धांतों की जब हम चर्चा करते हैं तब आएंगे। तो ये जो विधागत रूप में एक और बात जो महत्वपूर्ण है उपन्यास के से के सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए कि ये जो विधा है कुल मिला के हमारे यहाँ पश्चिम से आई। हमारे यहाँ पहले नीति कथाएं तो होती थी, हितोपदेश की कहानियाँ और वो कहानियाँ तो थी संस्कृत में हमारे, लेकिन ये महाकाव्य के टक्कर का, जो प्रबंधात्मक महाकाव्य होता था उसकी टक्कर की एक नई विधा ये हमारे यहाँ पश्चिम से आई और उसे हमने अंग्रेजी में जिसे नॉवल कहा जाता था और हिंदी में हमने इसे उपन्यास नाम दिया। ये पश्चिम में औद्योगिकरण के साथ में विकसित हुई, औद्योगिकरण के साथ में एक मध्य वर्ग, शिक्षित मध्य वर्ग पैदा हुआ। शिक्षित मध्य वर्ग की एक मानसिक भूख थी कि हमें समाज के बारे में, देश दुनिया के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी, जो समाचार पत्रों से पूरी नहीं होती या जो सूचनाओं से पूरी नहीं होती, जो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता, ऐसे लोगों के लिए एक नया पाठक वर्ग जिसको कहना चाहिए था कि इस मध्य वर्ग का जो पाठक वर्ग पैदा हुआ, इस पाठक वर्ग के साथ में ये उपन्यास नामक रचना आई। इसके इस पर जब ये उपन्यास, कई बार ऐसा होता है कि जब पहले साहित्यिक रचना आती है और फिर उसके उसका शास्त्र निर्मित करता, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ऐसे आप शास्त्र बना दो, ये विशेषताएं होती है, ऐसी आप रचना लिखो तो वो उपन्यास माना जाए। किसी भी रचना में, हर रचना में पहले रचना आती है और फिर उसकी उसके बारे में विचार विमर्श होता है। तो ये गद्य युग में आया, तो हेगल ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की। हेगल ने कहा कि ये गद्य युग का महाकाव्य है और ये एक तरह से गद्य युग का महाकाव्य कह करके हेगल ने इसके स्वरूप को निश्चित भी किया और इसके विकास पर भी आगे प्रकाश डाला कि चूंकि आगे उसके भविष्य में भी ये विकसित होने वाली विधा, माने जिसका कहने का मतलब ये कि जब तक गद्य युग चलेगा तब तक उपन्यास का महत्व रहेगा। तो इसी तरह से राल्फ फॉक्स ने नॉवल एंड द पीपल नामक किताब में कहा कि ये बुर्जुआ समाज का महाकाव्य, इसमें बुर्जुआ समाज का वर्णन होता, किसानों का, जमींदारों का, उनकी कथाओं का इसमें वर्णन नहीं होता, वो महत्वपूर्ण नहीं, वो चीज़ें आपको पहले वाले दूसरे वाले के अंदर आ जाएगी। इसी तरह से एक आलोचक है मिशेल जिरेफा, उन्होंने कहा कि उपन्यास ऐसी कला है
जिसमें मनुष्य सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से निरूपित होकर सामने आता। अब इनके जो पात्र है ये है कि ये कोई मिथकीय पात्र नहीं हो सकते, मिथकीय पात्र महाकाव्य में आ सकते हैं। आपको एक व्यक्ति को स्थापित करना पड़ता है कि एक विशेष सामाजिक परिस्थितियों के अंदर एक व्यक्ति खड़ा है। गोदान प्रेमचंद ने लिखा था एक विशेष सामाजिक स्थिति के अंदर, एक ऐतिहासिक स्थिति के अंदर वो रहता है, इसलिए ये विधा थोड़ी सी अलग है। इस अर्थ में, एक अर्थ में अगर आप कविता से अगर आप उपन्यास की तुलना करें तो कविता के अंदर आत्मपरकता होती है। कवि कल्पना करता है और कल्पना में कहता है मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा सोचा, मुझे दूज का चांद ऐसा दिखा और आपने कविता लिख दी, खत्म हो गया। इसी तरह से नाटक में एक विशेष तरह का माया लोक का आलोचक निर्माण करता है, उपन्यास में ये नहीं होता। इसलिए उपन्यास में जो समाज के साथ जो संबंध होता है उस संबंधों का वर्णन किया जाता है और एक तरह से समाज हमारे इस रचना के माध्यम से पुनर्जीवित होती है। इसलिए ये एक वस्तुपरक कला है, एक वर्णन और विवरण के भीतर से एक कला का वो निर्माण करता है। इसलिए हमारे जो प्राचीन जो काव्यशास्त्रीय सिद्धांत है, मसलन प्लेटो अरस्तु, आप जानते हैं प्लेटो और अरस्तु ने काव्यशास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, भरत ने नाट्यशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण कही भारत में, लेकिन इन्होंने किसी ने भी ये जो सिद्धांत थे ये उपन्यास पर लागू नहीं होते। अनुकरण का सिद्धांत कविता पर लागू होता है, इसी तरह रस का जो सिद्धांत है वो भी उपन्यास पर लागू नहीं होता, वो नाटक पे और कविता पर लागू होता है। तो ये जो बाद के जो आलोचक थे, जब उपन्यास बहुत सारे हमारे सामने, जब रचना सामने आ गई तो हमारे बहुत सारे आलोचक सामने आए और उन आलोचकों ने उपन्यास का वर्णन विश्लेषण किया और नई मान्यताएं हमारे सामने रखी, जिसमें राल्फ पार्क्स है, जॉर्ज लुकास है, माइसेल फिरा का ये मिशेल जिरेफा है, इस तरह के बहुत सारे आलोचक आए और जिन्होंने उपन्यास के स्वरूप के बारे में लिखा। राल्फ पार्क्स ने उपन्यास के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही और बड़ा उनकी उनकी एक पुस्तक जो है उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी में भी बड़ी पठनीय है, उपन्यास और लोक जीवन के नाम से। और इन्होंने पश्चिमी यूरोप में जो यथार्थवाद का विकास जिस तरह से हुआ, तो एक मुख्य धारणा वहाँ से शुरू होती है उपन्यास के साथ में एक आलोचना की, वो ये कि उपन्यास के साथ में एक यथार्थवाद की धारणा हमारे सामने आती, पहली बड़ी साहित्यिक धारणा कि आपको जिंदगी के यथार्थ का वर्णन करना। अब आप जिंदगी के यथार्थ को कितना जानते हैं ये आपकी परीक्षा है, आपने उस यथार्थ का सही वर्णन किया या नहीं किया ये भी आपकी जानकारी में। अगर आपने यथार्थ का वर्णन आप सही नहीं कर पा रहे हो तो ये माना जाएगा कि लेखक को यथार्थ की समझ नहीं है। जब यथार्थ की समझ नहीं होती है तो आलोचक उस पर उंगली रखता है कि नहीं आप ये ठीक नहीं करते। तो उपन्यास में जो फैंटेसी है, जो स्वप्न है, जो आदर्श चित्रकथाएँ हैं, उनके मूल में भी रचना जो आलोचक हैं वो जिंदगी के यथार्थ को देखते हैं। अब चूंकि ये प्रगतिशील आलोचक है इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, ये जो महाकाव्य में तो सिर्फ प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य का संघर्ष है ये दिखाते हैं, लेकिन समाज के भीतर भी तो कोई टकराव होते हैं, समाज के भीतर भी एक दूसरे वर्ग से जो टकराहट होती है उस टकराहट की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और वो अभिव्यक्ति सही सही होनी चाहिए। अब सही सही है कि नहीं है इसका निर्णय करना बड़ा मुश्किल होता है। पाठक अपने ढंग से देखता है, आलोचक अपने ढंग से देखता है, लेखक अपने ढंग से देखता है। तो लेखक ने जिस तरह से समाज के भीतरी टकरावों का वर्णन किया, बालजाक ने जिस तरह का वर्णन किया, और आज हमको पढ़ते समय वो रचनाकार कैसा लगता है कि इसने ठीक किया कि नहीं किया, ये माने जो सबसे महत्वपूर्ण आलोचना का बिंदु होता है उपन्यास का कि वो कितना जीवन से जुड़ा हुआ है, कितना जीवन का यथार्थ है, और जीवन का यथार्थ किसी भी एक रचना में संपूर्णता में अभिव्यक्त नहीं होता। जीवन बहुत बिखरा हुआ भी है, बहुत फैला हुआ भी है, एक व्यक्ति सबको नहीं जानता, एक रचना में उसकी संपूर्णता में अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ही अभिव्यक्त कर पाते हो, तो वो थोड़ा भी कितना। इसलिए किसी लेखक की जो उत्कृष्टता का जो मापदंड है वो उत्कृष्टता का मापदंड ये है कि उसमें यथार्थ का
कितना बड़ा रूप शामिल किया गया। टॉलस्टॉय की रचना में रूसी समाज का दर्पण मान लीजिए किसी आलोचक ने कहा तो टॉलस्टॉय में ये यथार्थ है, या हम प्रेमचंद की रचनाओं में कहते हैं कि इसमें भारतीय किसान का स्वाधीनता आंदोलन का बड़ा गहरा और बारीक मार्मिक विश्लेषण है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें कहते हैं नहीं ये तो वर्णन किया लेकिन ये वाला मुद्दा जो है प्रेमचंद ने ठीक से नहीं पाए। माने जैसे कई बार कहते हैं कि मेहता और मालती का जो रिश्ता है शिक्षित नारियों के रिश्ते वाला है वो प्रेमचंद नहीं कह पाए। ये प्रश्न कहाँ से पैदा हुआ? ये प्रश्न इस बिंदु से हुआ कि लेखक को यथार्थ जीवन की सही जानकारी होनी चाहिए और अगर ये सही जानकारी नहीं है तो वहां पर आलोचना ये बिंदु रखती है कि ये आपने गलत किया। तो ये जो सामाजिक जीवन का जो चित्रण है, ये सामाजिक यथार्थ का जो चित्रण है, ये उपन्यास की आलोचना का जिसे कहना चाहिए कि प्राथमिक बिंदु है। लेकिन जो यथार्थ है वे कोई स्थिर और जड़ चीज़ नहीं होता, वे गतिशील होता है, परिवर्तनशील होता है और जो समाज की व्यापक विकास प्रक्रिया है उसका हिस्सा होता है। रचनाकार जिस समाज और परिवेश में जीता है उस समाज और परिवेश के यथार्थ का अनुभव रचनाकार अनेक रूपों में करता है। यथार्थ का सामान्य और तात्कालिक अनुभव जब विशिष्ट और सुनिश्चित बोध बनता है तब वह रचना का विषय बनता है। सामान्य और तात्कालिक अनुभव को विशिष्ट और सुनिश्चित बोध में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में रचनाकार के दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक यथार्थ यथार्थ के दूसरे रूपों से अधिक गतिशील, परिवर्तनशील और इतिहासबद्ध होता है। ये इस बात में थोड़ा जानने की ज़रूरत है कि रचनाकार एक खास हिस्से को अनुभव करता है तो उसके जीवन अनुभव का एक सीमा है। आपके जीवन अनुभव से बाहर भी समाज रहता है, उस समाज का अगर आपने चित्रण नहीं किया तो आपकी रचना कमज़ोर हो जाएगी। फिर उस संपूर्णता का आपने वर्णन किया कि नहीं किया, यहाँ पर एक प्रश्न बराबर उठता रहता है कि जो सामाजिक जीवन या जिस सामाजिक यथार्थ का लेखक वर्णन कर रहा है अगर उसने ठीक ठीक मान लीजिए कर दिया तब क्या वो उपन्यास हो गया? कब वो सामाजिक यथार्थ कला रूप में परिणत होता है, वो रचना रूप में परिणत होता है कि नहीं होता है? और वहाँ पर कोई गड़बड़ी रचनाकार से कई बार हो जाती है कि हमारे पास सामग्री है, आपने जीवन की सामग्री का चित्रण कर दिया लेकिन वो सामग्री कला नहीं है, आपको उसे कला बनानी पड़ती है। तो रचनाकार कहाँ पर उस जीवन की सामग्री को कला रूप में परिणत कर देता है, ये उपन्यास को पढ़ते समय उपन्यास की आलोचना में सबसे पहला बड़ा प्रश्न यह आता है। कविता में ये प्रश्न नहीं आता। कविता में एक तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपने उस यथार्थ का वर्णन किया हो फिर उस यथार्थ को आपने रूपांतरित किया हो। उपन्यास में तो यथार्थ होता ही होता है, उपन्यास में तो जिंदगी तो होती ही होती है। अब वो जिंदगी अनगढ़ होती है या जिंदगी कलात्मक रूप से निर्मित की हुई होती है ये महत्वपूर्ण होता है। और ये जो कलात्मक रूप से निर्मित करने का जो काम होता है वो काम अनुभव के बाद आपके विचारधारा से या आपके दृष्टिकोण से होते हैं। आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? मान लीजिए कि आप कोई भी उपन्यास आप पढ़ते हैं, माँ आपने झूठा सच उपन्यास पढ़ा यशपाल का, तो आपने जयदेव पुरी का चरित्र आपको ठीक लगा या नहीं लगा? आप कहेंगे, एक पाठक के रूप में मैं कहूँगा कि मैंने तो ऐसा पात्र नहीं देखा, लेकिन एक रचनाकार के रूप में आपने नहीं देखा तो इसका मतलब संसार में है ही नहीं क्या? जो चीज़ें आपने नहीं देखी वो भी संसार में, तो हो सकता है वो हो। तो लेखक का जो यथार्थ है वो किस तरह का हुआ? दो तरह का यथार्थ यहाँ पर आ जाता है। एक यथार्थ ये जो होता है, दूसरा ये कि होता है या चाहे नहीं होता है लेकिन हो सकता है, तो जो चीज़ हो सकती है वो भी यथार्थ है, संभव है। इसलिए यथार्थवाद की जो प्रश्न आया तो यथार्थ के साथ में एक संभावित यथार्थ की परिकल्पना भी आई कि अगर ये परिस्थितियां होती है तो इस तरह का जीवन भी हो सकता है, किसी किसी पात्र का ऐसा मनोविज्ञान भी हो सकता है। ऐसा पात्र क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हमने तो नहीं देखा, न देखा होगा तो भी हो सकता है। तो ये जो गुंजाइश है ये उपन्यासकार को मिलती है और इसलिए उपन्यासकार नवीन सृष्टि करता है, मौलिक सृष्टि करता है। पात्र जो आता है उस पात्र में आपको ये दोनों चीज़ें मिलती है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है जिस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आपने एक पात्र गढ़ा जो पात्र हो सकता है। अब अगर हो सकता है तो ये इसमें तो आपकी समझ हुई कि ये हो सकता, लेकिन है नहीं और कभी हुआ नहीं,
तो भी उपन्यास की कला की दृष्टि से वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम आपने किया कि आपने एक नई सृष्टि कर दी। और यहाँ पर एक और प्रश्न की तरफ जॉर्ज लुकास ने जिक्र किया कि जो उपन्यास के जो पात्र होते हैं उसमें प्रातिनिधिकता होनी चाहिए। मसलन किसान है, किसान कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन एक जब आप किसान का चित्रण करें तो उस कुछ किसान के ज़्यादातर गुण उस पात्र में हो जाए होने चाहिए। होरी का चित्रण किया, होरी किसानों का प्रतिनिधि पात्र है कि भाई कोई भी किसान होएगा तो उसमें होरी का मामला तो रहेगा ही रहेगा। ये जो प्रातिनिधिकता होती है वो किसी वर्ग की किसी समूह का वो एक प्रतिनिधि पात्र होता है। ये प्रातिनिधिकता आपको उस संपूर्ण वर्ग या समूह की समझ से आती है, आप ऐसे ही किसी का प्रतिनिधि पात्र नहीं बना सकते। तो उपन्यास के जो पात्र होते हैं वो पात्र जो है प्रतिनिधि होने चाहिए। तो प्रातिनिधिकता कितनी होएगी और व्यक्तिकता कितनी होगी, कितना वो पात्र स्वयं अलग होएगा। मान लीजिए महाकाव्य के अंदर अगर कोई पात्र है तो वो किसी का प्रतिनिधि नहीं होता, वो स्वयं एक पात्र होता है। हनुमान मान लीजिए पात्र के रूप में हमारे हमारे सामने आते हैं, या राम सामने आते हैं तो रावण आते हैं, तो वो किसी वर्ग या समूह का प्रतिनिधि नहीं है, वो एक विशिष्ट विचित्र पात्र है, वो अलग से पात्र हैं। उनको आप इस तरह से शामिल नहीं कर सकते कि ये इस जैसा कोई सामान्य राजा जैसा ये राजा नहीं, ये ऐसा नहीं होता, उसकी सारी विशेषताएं उसमें नहीं होती। वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वयं अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उपन्यास में कोई पात्र इस तरह का सिर्फ विचित्र बन के नहीं आ सकता, वो किसी समूह का प्रातिनिधिक होता है, या लुकास कहते हैं कि उसको प्रातिनिधिक होना चाहिए। तो जितनी उसके अंदर इतनी विश्वसनीयता आती है कि हर एक व्यक्ति को ये लगे कि ये मेरे इस वर्ग का ये प्रतिनिधि पात्र है। लेकिन अगर आपने उस वर्ग की सारी विशेषताएं उसके अंदर डाल दी तो वो तो एक मशीन हो गया, क्योंकि उसमें कुछ व्यक्तिकता तो है ही नहीं। ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, बहुत सारे मनुष्यों का हम समाज में घूमते फिरते देखते हैं, हर व्यक्ति भले ही उसमें सब में सामान्य कुछ मानवीय विशेषताएँ मिलती है, लेकिन हर व्यक्ति अलग होता, हर व्यक्ति की एक व्यक्तिक विशेषता होती है। तो उपन्यास के पात्र में भी ये आपको व्यक्तिक विशेषताएं भी होनी चाहिए, और वो पात्र ऐसा होना चाहिए कि वही पात्र है। शेखर एक जीवनी का शेखर है, वो एक प्रतिनिधि है एक वर्ग का, लेकिन वो एक व्यक्ति है। ऐसा दूसरा पात्र आपको उपन्यासों के अंदर नहीं मिलेगा। उपन्यास इस तरह से वो एक लेखक की जो मौलिकता का प्रश्न आता है वो यहाँ पर इसका उचित सामंजस्य होना चाहिए कि कहाँ रचनाकार ने उस प्रातिनिधिकता का निर्वाह किया है और कहाँ उस रचनाकार ने उसके उसकी व्यक्तिकता की रक्षा की है। इसी तरह से संपूर्ण समाज में एक और धारणा उपन्यास की आलोचना के संदर्भ में एक सिद्धांत जॉर्ज लुकास का जो बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है वो है कि समग्रता की धारणा। आप इतना बड़े लेवल पर आप बड़े स्तर पर आप उपन्यास लिखो कि उसमें सारा समाज आपके सामने आ जाए, एक समय के सारे समाज का वर्णन उसके अंदर आ जाए। तो उपन्यास में जिस उपन्यास में समग्रता का वर्णन होता है वो उपन्यास बड़ा होता है। आप देखते हैं कि गोदान में राय साहब की पार्टी में जो वो दावत देते हैं उस दावत में कई तरह के लोग आते हैं, पत्रकार भी आते हैं, उद्योगपति भी आते हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी आते हैं, महिला डॉक्टर भी आती, तो ये शिकारी भी आते हैं, कुछ खेलकूद माने मनोरंजक वाले लोग भी आते हैं। तो ये अलग अलग लोग किस लिए आते हैं, क्योंकि ये सब मिलकर के एक संपूर्ण समाज का एक रूप देते हैं। तो जिस रचनाकार में उस संपूर्ण समाज की समग्रता की समझ होती है वो समग्रता की समझ पाठक को भी दी जाती है। तो उपन्यास में ये जो समग्रता है वो उसको बड़ी रचना मनाता, जिस उपन्यास में वो समग्रता नहीं है, मान लीजिए अपने अपने अजनबी में नहीं है, अज्ञेय का छोटा उपन्यास है तो ठीक है उसको मानते हैं, या निर्मल वर्मा का उपन्यास है वेदिन, छोटा सा उपन्यास है, एक तरह की मानसिकता का वर्णन कर दिया है, एक खास तरह के पात्र हैं और उनका आपने वर्णन कर दिया, दूसरे किसी तरह के पात्र को आप नहीं जानते, छोड़ दो नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है कि वो संपूर्ण समाज का नहीं है। तो संपूर्ण समाज का चूंकि समग्रता में चित्रण उसका नहीं है इसलिए वो बड़ी रचना नहीं है। तो बड़ी रचना होने के लिए, और इसीलिए जॉर्ज लुकास ने 19वीं शताब्दी के जो यूरोपीय उपन्यासकार थे उन उपन्यासकारों को कहा कि ये उपन्यासकार बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं में जीवन अपने समग्रता में हमारे सामने आता है और बाद वाले उपन्यासों में जीवन टुकड़ों में बढ़ता हुआ आता है, और इसलिए इस पर चर्चा होती है। और ये कहते हैं कि उपन्यासकार के की जो दृष्टि है वो समाज को इस तरह से अभिव्यक्त करती है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि ये विचारधारा, जब यथार्थ का अनुभव रचना की
अंतर्वस्तु बनता है तो उसका रचना में रूपांतरण होता है, और इस रूपांतरण की प्रक्रिया में विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रचना की अंतर वस्तु में मूल्य चेतना के रूप में विचारधारा विद्यमान रहती है। यथार्थ बोध को यथार्थवाद में विकसित करने की प्रक्रिया व्यापक और जटिल होती है, इसलिए विचारधारा का यथार्थवाद से संबंध और भी अधिक जटिल होता है। अब यहाँ पर एक विचारधारा का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है उपन्यासकार के लिए। हो सकता है कि कवि जो अपने मूड्स के हिसाब से, मन हमारा इस क्षण मैंने ये अनुभूति की और आपने उस क्षण की अनुभूति को चित्रबद्ध कर दिया, आपका एक डायरी का अनुभव था और आपने एक डायरी के अनुभव का लिख दिया, तो कोई सुसंगत विचारधारा की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप एक पूरे समाज का वर्णन कर रहे होते हैं तो, और समाज बिखरा हुआ, समाज कभी खुला हुआ आपके सामने उस तरह से कभी भी नहीं आता जिस तरह से रचना में आता, तो रचना इस बिखरे हुए समाज को एक सुगठित रूप में देती है और समाज को एक दिशा देती है कि इस तरह के समाज को देखो, उसके लिए विचारधारा की जरूरत होती है। इसलिए रचनाकार की विचारधारा यथार्थ को, जिंदगी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए ये जो रचनाकार की विचारधारा है ये तीन स्तरों पर काम करती है। एक तो ये कि रचना की विचारधारा और यथार्थवाद की जो ऐतिहासिकता के स्तर पर, किस इतिहास के किस मोड़ पर रचनाकार ने रचना लिखी है और उस रचना की अपनी क्या विचारधारा। दूसरा, रचना में दोनों के विशिष्ट स्वरूप के स्तर पर, और फिर रचना की संपूर्ण संरचना में दोनों के संबंध के स्तर पर। विचारधारा चाहे प्रभुत्वशाली हो या वैकल्पिक, उसमें सामाजिक यथार्थ के साथ किसी न किसी तरह के संबंध की अभिव्यक्ति जरूर होती है। ये संबंध काल्पनिक हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। अपने समय के यथार्थ के साथ संबंध सभी विचारधारात्मक रूपों में एक साथ नहीं होता। माने जब आप ये देखते हो कि आप विचारधारा का काल्पनिक रिश्ता हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस यथार्थ के बारे में ही आप बात करें, कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हैं। और वो विचारधारा जिसको कहना चाहिए प्रभुत्वशाली वर्ग की विचारधारा है, या वो विचारधारा एक वैकल्पिक विचारधारा। आमतौर से होता यह है कि जो रचनाकार है वो एक वैकल्पिक विचार देता है, एक नई सृष्टि बनाता है, समाज को एक नया रूप देना चाहता है। और माना जाता है कि जो समाज के जो स्थापित समाज है और स्थापित समाज के मूल्य, उनका वर्णन वो इस तरह से करता है कि इन मूल्यों में ये कमी रह गई और इसलिए एक आदर्श समाज हमें इस तरह का बनाना चाहिए। तो हमेशा एक आदर्श समाज की अवधारणा उस विचारधारा के भीतर रहती है कि ऐसा समाज अच्छा होता है, जिस समाज को हम देख रहे हैं वो अच्छा नहीं है। तो ये जो अच्छा नहीं है और जो अच्छा है, इसका विवेक ही विचारधारा। और इसलिए जो यथार्थ है वो रचना में गतिशील रूप में हमारे सामने आता, यथार्थ परिवर्तित हो जाता, बदल जाता, और उसको बदलने की चेतना। और तीसरा ये कि लेखक चाहता है कि वो विचार बदल जाए और ये समाज बदल जाए। लेखक की ये जो चेतना होती, लेखक के जो विचार होते हैं, वो किस तरह से एक पात्र की जिंदगी की गति बदल देते हैं, इसका उदाहरण अगर देखना हो तो बहुत मोटा सा उदाहरण है जो गोदान में आप सब विद्यार्थी जानते हैं कि गोदान में जो राय साहब है, राय साहब की सारी इच्छाएं, जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सब पूरी कर देते हैं। प्रेमचंद उसकी बेटी का विवाह हो जाता है और लड़के की सगाई का निमंत्रण आता है और राजा की पदवी मिल जाती है, मुकदमे सब माने सब चीज़ें एकदम व्यवस्थित हो जाती है और राय साहब का वो लगता है कि मेरा जीवन जो है वो तो मेरा सुखी है। लेकिन उपन्यासकार जब उपन्यास समाप्त कर रहा होता है तब प्रेमचंद को लगता है कि ये पात्र बहुत ही बदमाश है, या इस पात्र का कोई ऐतिहासिक भविष्य नहीं है, आगे आने वाले समय में ये पात्र रहेगा ही नहीं, तो मेरे उपन्यास में ये सुखी संतुष्ट कैसे रह सकता। तो उन्होंने एक प्रकरण डाला और ये डाला कि बेटी ने तलाक ले दिया, और तलाक जो है उस समय के जो भारतीय समाज है उस समाज में अच्छा नहीं माना जाता था, और राय साहब की सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। इसके बाद में जो पुत्र है उसने कहा, मैं तो इस आपने जिस लड़की से विवाह के लिए मेरे को कहा वो मैं तो नहीं करता हूँ। तो इस तरह से जितनी उसकी कामनाएं पूरी हुई थी वो सारी कामनाएं वो मिटा देते हैं। क्यों मिटाते हैं? ये मिटाने का काम प्रेमचंद की विचारधारा करती है, क्योंकि प्रेमचंद ये मानते हैं कि स्वाधीन भारत में या आगे आने वाले समय में या अंत में ऐतिहासिक रूप में जमींदारों का या इन राय साहबों का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए ये पात्र नष्ट होंगे। उपन्यास में ये पात्र नष्ट होते हैं, लेकिन खन्ना नष्ट नहीं होता। खन्ना मिल मालिक है,
उसकी मिल जल गई है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता, वो पूरे ताकत से वापस वो जो शुरू हो जाता है। ये क्यों करते हैं प्रेमचंद? क्योंकि यहाँ पर प्रेमचंद की एक समझ है कि खन्ना का भविष्य बना रहने वाला है, उद्योग धंधों का विकास इस देश में आगे भी होएगा और ये उद्योग धंधे समाप्त होने वाले नहीं हैं। इस समझ की आपको झलक झांकी आपको गोदान में दिखने, ये कहाँ से आता? सारे पात्र आपके सामने, सबका निर्माण आपने किया, तो इस यथार्थ का जो रूप बदला, ये जो बदला हुआ रूप है, ये लेखक की विचारधारा से आता है और हर रचनाकार उस विचारधारा के अनुसार विचार करता है और वो बताता है कि ये संबंध आगे ऐसे रहेगा। तो उपन्यास की जो आलोचना है, इस आलोचना में ये जो विचारधारा का प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण आता है, क्योंकि उसके बिना आप यथार्थ को नहीं समझ सकते। इसलिए यथार्थ और विचारधारा का युगपत संबंध उपन्यास की आलोचना में होता है। एक आलोचना की एक और सिद्धांत भी चलता है, जिसमें कहते हैं कि अच्छा चलिए, विचारधारा भी ठीक है, यथार्थवाद भी ठीक है, जीवन की वास्तविकता भी ठीक है, तो क्या कला के रूप में इसका कोई महत्व है कि नहीं है? उस कला रूप के रूप में भी हमें इस उपन्यास के बारे में सोचना चाहिए। और निर्मल वर्मा ने कई सारे निबंध हिंदी आलोचना में लिखे हैं और यूरोपीय आलोचना में भी उपन्यास के रूप पर, उपन्यास के शिल्प पर और उसमें रचनाकार की जो कलात्मकता होती है उस पर काफ़ी विचार किया। इस वास्तविकता का जो वर्णन है, उपन्यास जब कथा अपना कहता है तो एक प्रातिनिधिकता की शैली है और दूसरा प्रतीकात्मक रचना पद्धति है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। कोई पात्र किसी एक खास चीज़ का प्रतीक है और उसके बाद में उसका वर्णन किया जाता है, और हालांकि वो वर्णन भी उसमें है। एक और बात जो इस संदर्भ में यहाँ ध्यान रखने की है कि ये जो रूपवाद है, ये रूपवाद का संबंध उपन्यास से कभी नहीं जोड़ा गया। आमतौर से रूपवाद का संबंध चित्रकला से माना जाता है, लेकिन कविता से आप उसका कर सकते हो, थोड़ी बहुत कहानी में भी, हालांकि कहानी में भी इसकी कोई संभावना नहीं होती। उपन्यास के संदर्भ में रूपवादी जितनी मान्यताएं हैं वो मान्यताएं अप्रासंगिक होती है, और विशेष रूप से अमूर्तन की जो कलाएं हैं, अमूर्तन की कलाएं जो है वो उपन्यास के सिद्धांतों में लागू नहीं होती। तो इसमें चूँकि यथार्थ रहता है, ठोस रहता है, वास्तविक रहता है, ऐतिहासिक यथार्थ होता है, इसलिए इस यथार्थ की अभिव्यक्ति में हमको ये रूपवाद के दर्शन नहीं होते। सारे सिद्धांत जीवन यथार्थ से जुड़े हुए होते हैं और यथार्थ के रूपों पे होते हैं। जब आप पूरे उपन्यास की संरचना की बात करते हैं, तब आप कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के उपन्यासों में समाज के किस किस हिस्से का प्रतिनिधित्व मिलता है, या राजाओं का कैसा कैसा प्रतिनिधित्व है, या हमारे यहाँ कहते हैं कि साहब आपने कितने प्रकार के नौकरों का वर्णन किया है कि नहीं किया, डॉक्टर के पेशे से जुड़े हुए लोगों का वर्णन आपके उपन्यास में है कि नहीं है, आपके उपन्यास में जो इंजीनियर हैं वो किस तरह के इंजीनियर हैं। जैसे प्रेमचंद के उपन्यासों पर चर्चा करते समय लोगों ने उंगली रखी है, आलोचकों ने कहा कि इसमें अंग्रेज फौज का कहीं खास वर्णन नहीं, एक आध जगह कायाकल्प में या किसी में एक फौजी आते हैं, कर्मभूमि उपन्यास में दो फौजी आते हैं थोड़ी देर के लिए जब मुन्नी का बलात्कार होता है, बाकी किसी जगह पर फौज है ही नहीं, जबकि सारा शासन अंग्रेज फौज के द्वारा भारत में होता था, उसका वर्णन नहीं। तो क्या क्यों वर्णन नहीं? क्योंकि प्रेमचंद उसके के अनुभव का हिस्सा नहीं है। अब नहीं है तो क्या हुआ? हमें तो उस समय के समाज की के उस रूप का पता नहीं चलता। तो लुकास कहते हैं कि ये देखिए समग्रता के सिद्धांत के हिसाब से ये उस उपन्यास का या उस पूरे कालखंड की एक तरह की वो कमी मानी जाती। तो इन चीज़ों के आधार पर उपन्यास की आलोचना का आगे विकास होता है और विशेष रूप से यथार्थवाद के विविध रूपों का चित्रण और वर्णन उपन्यास में देखने को मिलता है। उपन्यास की आलोचना के संदर्भ में आगे चल करके उपन्यास का समाजशास्त्र भी विकसित हुआ और इस संदर्भ में लुकाच की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और उनकी एक किताब 1916 में प्रकाशित हुई थी, उपन्यास का सिद्धांत। उस समय उपन्यास जार्ज लुकाच मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं थे और उसके बाद में जो दूसरे समाजशास्त्री थे, लूसी गोल्डमैन थे, उन्होंने इसके ऊपर किताब लिखी। तो इसमें आगे चलकर
करके लुकाच ने और दूसरे जो आलोचक थे उन्होंने दो आलोचना के यथार्थवाद के दो मानदंड बनाए, एक आलोचनात्मक यथार्थवाद और दूसरा समाजवादी यथार्थवाद। आलोचनात्मक यथार्थवाद उन्होंने मोटे तौर पे उससे कहा जिसमें समाज की आलोचना की गई कि ये समाज का हिस्सा ठीक नहीं है, ये समाज का हिस्सा ठीक नहीं है, ये शोषण हो रहा है, ये गलत है, ये अन्याय अत्याचार गलत है, इससे हम सहमत नहीं हैं और आगे क्या करेंगे ये सब नहीं। और दूसरा हिस्सा जो मार्क्सवाद से प्रभावित हो कर आया उन्होंने इसका वर्णन किया कि अंततः ये सारा समाज समाजवाद की स्थापना करने के लिए जाएगा। तो समाजवाद की जो स्थापना करने वाले जो में जो विश्वास करने वाले लोग थे वो समाजवादी यथार्थवाद के रूप में उनका वर्णन उनके उनका जिक्र किया जाने लगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने समाजवादी यथार्थवाद को कोई बहुत महत्व नहीं दिया और आजकल भी यथार्थवाद की जब हम जिक्र करते तब हम सिर्फ आलोचनात्मक यथार्थवाद की ही बात करते हैं क्योंकि समाजवादी यथार्थवाद की बात करने का कोई विशेष मतलब नहीं होता। कुछ दूसरे तरह के आलोचक भी विशेष रूप से बाख्तिन एक आलोचक रूसी हुआ था, उन्होंने रूपवाद की आंतरिकता की धारणा के अतिवाद से उबरने की दिशा दी और साथ ही मार्क्सवाद की प्रतिबिंबनवादी मान्यताओं को भी खारिज किया। उन्होंने भाषा और कल्पना की संवाद धर्मिता पर जोर दिया। बाख्तिन के मतानुसार साहित्य के दूसरे रूपों की तुलना में उपन्यास की संवाद धर्मिता में अनुभव अपने अनेक रूपों में व्यक्त होने का अवसर पाता है। उपन्यास की अन्यतम विशेषता यह है कि उसमें सामाजिक और वैयक्तिक दोनों स्तरों पर विविधता का कलात्मक गठन संभव हो पाता। जातीय भाषा की बोलियों, पैसे संबंधी मुहावरों, साहित्यिक पदावलियों और पीढ़ियों की अभिव्यक्ति छवियों का संयोजन होता है। ये उपन्यास में गुंजाइश होती है, संभावना होती है, इसलिए एक तरह से रूपवाद की आलोचना करते हुए और प्रतिबिंबनवाद जो मार्क्सवादी आलोचना का सबसे महत्वपूर्ण होता है कि समाज का प्रतिबिंब होता है साहित्य में, इस प्रतिबिंबनवादी धारणा की एकांगिता की भी इन्होंने आलोचना की। हिंदी में जहाँ तक उपन्यास के सिद्धांतों की चर्चा करने की बात है तो हिंदी में उपन्यास की आलोचना का प्रारंभ प्रेमचंद के आगमन के पश्चात शुरू होता है और प्रेमचंद की रचनाएं जब प्रकाशित हुई तो उनकी जो है वो पुस्तक समीक्षा के रूप में कुछ चीज़ें हमारे सामने आई। कालिदास कपूर और जनार्दन प्रसाद झा द्विज ने प्रेमचंद की रचनाओं की आलोचना की। सेवा सदन और प्रेमाश्रम की आलोचना हुई और इस आलोचना के क्रम में एक नई बात हमारे सामने आई कि साहित्य कला कितनी है और विशेष रूप से प्रेमाश्रम में साहित्य कला को लेकर हेमचंद जोशी और इलाचंद जोशी ने एक प्रश्न उठाया और उसके बाद एक लंबी बहस हुई जिसमें हिंदी के उस समय के बड़े सभी आलोचकों ने उसमें हिस्सा लिया। उस समय रामचंद्र शुक्ल हिंदी में थे लेकिन रामचंद्र शुक्ल को चूंकि उपन्यास बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे इसलिए उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन दूसरे आलोचकों ने हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद में उन्होंने ये कहा कि ये कला का जो प्रश्न है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये प्रेमाश्रम में कला है कि नहीं ये पता नहीं। और कुछ लोगों ने कहा इसमें बड़ी भारी कला है, उन्होंने दैनिक जीवन का वर्णन किया, रघुपति सहाय ने इसका प्रेमचंद के समर्थन में लिखा, कई लोगों ने समर्थन में लिखा, कई लोगों ने विरोध में लिखा। तो एक मुद्दा जो आया वो आया कि इसमें कलात्मकता का प्रश्न उपन्यास के संदर्भ में हिंदी आलोचना में बहुत जोर शोर से उठा। दूसरा जो प्रश्न है वो अवध उपाध्याय ने रंगभूमि उपन्यास के बारे में उठाया और उन्होंने कहा कि ये रंगभूमि उपन्यास तो नकल है। तो जब नकल और मौलिकता का प्रश्न उपन्यास में महत्वपूर्ण है और इस मौलिकता को लेकर के भी बहुत बहस हुई, कहा कि जीवन की घटनाओं का यथातथ्य वर्णन होता है, तो जो जीवन की घटनाएँ तो आपकी है नहीं, प्रेमचंद ने तो जीवन रचा नहीं, जीवन तो समाज ने रचा, तो आपने समाज की उन सब चीज़ों का वर्णन कर दिया तो लेखक की मौलिकता कहाँ है। तो लेखक की मौलिकता का प्रश्न महत्वपूर्ण है कि आपने नया क्या किया। तो कहेंगे साहब नहीं मैंने तो ये सूरदास का चरित्र दिया या कोई भी पात्र दिया या ये पूरे जीवन को मैंने संयोजित किया, आपका इसमें कुछ नहीं। तो वो आरोप ये लगा और ये प्रश्न उठने लगा कि अंततः रचना का जो मूल्यांकन होता है वो रचनाकार की मौलिकता से जुड़ा हुआ होता है और अगर रचना ने मौलिक रचना की है
हो सकता है कि आपने 5 उपन्यास पढ़े हों और छठा उपन्यास आपने लिख दिया हो, अंग्रेजी के उपन्यास लिखे उसी की छाया में आपने हिंदी में उपन्यास लिख दिया हो, तो ये छाया कितनी महत्वपूर्ण है। फिर लोगों ने फिर तुलसीदास पर बड़ा आरोप लगाए बाद में, कहा कि नाना पुराण निगमागमों से तुलसीदास ने कथा लेकर के लिखी तो तुलसीदास की कितनी मौलिकता। तो इस तरह के बहुत सारे विवाद हिंदी में उठे उपन्यास के सिद्धांतों को लेकर के और मान्यताओं को लेकर के। फिर एक और हिंदी में बहुत दिनों तक E.M. फॉस्टर की पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल जो है वो बड़ी एक पाठ्य पुस्तक की तरह चलती है और ये लगता है कि सारे सिद्धांत जो है हमको तो फॉस्टर की इस किताब में मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा उपन्यास के बारे में कोई बहुत चिंतन हमारे यहाँ नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी बड़े मौलिक प्रश्न हिंदी आलोचना उठा देती है, जिसमें से कुंवर नारायण ने यशपाल के झूठा सच की आलोचना करते समय कहा कि इसमें तो अखबारों की कतरन, देश विभाजन की घटनाओं का मार विवरण है, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये घटना घटी, आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और इसमें शीर्षक दिया कुंवर नारायण ने कि कवि दृष्टि का अभाव, अगर किसी रचना में कवि दृष्टि नहीं है तो वो उपन्यास नहीं लिख सकता। अब उपन्यास और कविता के बीच में रिश्ता होना चाहिए। आगे चल करके अशोक वाजपेयी ने कहा कि जो कवियों का गद्य है वो गद्य बेहतर है, जो शुद्ध कथाकार है, गद्य लेखक है, वो अच्छा उपन्यास नहीं लिख सकते। इसलिए कविता का गद्य में या उपन्यास में कितना दखल है इसको लेकर के भी एक लंबी बहस अभी भी हिंदी में चल रही है, जिसमें माना जाता है कि काव्य महत्वपूर्ण है उस उपन्यास में, क्योंकि कवि जो है एक संवेदनशील भाषा लिखता है, ये हर शब्द का महत्व है। उपन्यास में एक प्रवाह का महत्व, एक शब्द का महत्व नहीं, पूरे विवरण का महत्व है। उस विवरण में कितनी कलात्मकता है, कितनी काव्यात्मकता है, इसको लेकर के भी हिंदी में बहुत सारे सवाल आए। और विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों की जैसे बड़ी तारीफ होती है क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार की कवि दृष्टि है। प्रेमचंद के उपन्यासों में या यशपाल के उपन्यासों में, भगवतचंद वर्मा के उपन्यासों में वो कवि दृष्टि नहीं है। इसी तरह जीवन के साक्षात्कार को लेकर के भी नेमीचंद जैन ने कहा कि उपन्यास में जो है अधूरे साक्षात्कार होते हैं, ये संपूर्णता में हमारे साक्षात्कार नहीं होते। तो ये कुछ प्रश्न है जिन प्रश्नों पे हिंदी आलोचना ने सैद्धांतिक रूप से विवेचन किया है और वो हमारे बीच में अभी भी चिंतन और चर्चा के केंद्र में है। इस तरह उपन्यास की आलोचना का अभी भी जो प्रमुख सिद्धांत है वो यथार्थवाद है, और इस यथार्थवाद का संबंध उपन्यास के उदय के कारणों से है और उसके पाठकों को भी। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि नाटक के दर्शक होते हैं, कविता के श्रोता होते हैं, लेकिन उपन्यास का पाठक होता है, और ये पाठक का जो मनोविज्ञान होता है वो उपन्यास के रचना को प्रभावित करता है। इसलिए एक विशेष प्रकार की एक पाठकवादी आलोचना भी है कि मैं जब उपन्यास पढ़ रहा होता हूँ तो मैं उस उपन्यास की पुनर्रचना कर रहा होता हूँ, कि यदि मैं होता, जयदेन्द्र कुमार ने कहा कि अगर मैं गोदान को लिखता तो कैसा लिखता, हर पात्र हर पाठक ये देखता है कि अगर मैं लिखता तो इसकी कथा को इस तरह से लिख सकता था। तो ये एक तरह की पाठकवादी जो आलोचना है वो आलोचना भी उपन्यास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप धैर्य से, आपके पास पुस्तक होती है, आपके पास समय होता है, आप आराम से एक दिन, दो दिन, तीन दिन, दो घंटे, चार घंटे लगातार उस उपन्यास की दुनिया के अंदर रहते हैं, तो आप उस दुनिया की पुनर्रचना कर रहे होते हैं और लेखक की कमियों पर उंगली उठाते हैं। इस तरह उपन्यास के साथ, विकास के साथ, उपन्यास को जांचने मानने के सिद्धांत और मानदंड भी आए, और उनमें से अभी भी सर्वाधिक प्रचलित जो मानदंड है वो यथार्थवाद है, और यथार्थवाद से जुड़ी हुई बाकी जो बारीकियाँ होती है वो इसके सिद्धांत में देखने को मिलती है।